हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल की सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल पे करंट अफेयर के सभी वीडियो जनवरी से जितने भी करंट अफेयर है सभी वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे मई के करंट अफेयर के बारे में। तो देखते हैं 1 मई से लेके 5 मई तक के करंट अफेयर को। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है, यह कब से कब तक चलेगा? यह 1 मई से 31 जुलाई तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 1 मई से 31 जुलाई तक। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप का जो उद्देश्य है वो है कि इसमें लाखों युवाओं को स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, मई में हम जानते हैं कि छुट्टी भी हो जाती है, जितने भी कॉलेज वगैरह रहते हैं सबके एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, छुट्टी भी हो जाती है, तो हर इंसान मतलब सोचता है कि कुछ काम कर लें। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि युवाओं को स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ा जाए। दोस्तों, बात करते हैं या किस किस मंत्रालय इसको के सहयोग से यह कराया जा रहा है। तो इसमें कुल 3 मंत्रालय शामिल हैं। 3 मंत्रालय मिलकर ये अभियान चला रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की शुरुआत की है। पहला कौन सा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दूसरा है हमारा खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय। और हमारा लास्ट है पेयजल और सैनिटेशन मंत्रालय। इन 3 मंत्रालयों के सहयोग से इस इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर ये इंटर्नशिप हो रही है तो इंटर्नशिप हम जानते हैं कि लोग करते हैं, जैसे ट्रेनिंग की जाती है उसी तरह इंटर्नशिप की जाती है अनुभव के लिए। तो इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो भी इंटर्नशिप करना चाहता है उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी साइट है sbsi.mygovernment.in। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इस साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी डेट अभी 15 मई तक है। दोस्तों, इसमें कॉलेज इंटर्नशिप जो होगी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होगी, ये नहीं कि कोई भी करा सकता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो उन्हें जो इलाका दिया जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान है तो जाहिर सी बात है कोई क्षेत्र दे दिया जाएगा कि इसको स्वच्छ करें आप। अब आप उसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इलाका दिया जाएगा या अस्थाई निवास का इलाका दिया जाएगा जहाँ पे वो रहते हो। जो लोग इसका फॉर्म भरेंगे उन्हें उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इलाका दिया जाएगा या जो उनका अस्थाई निवास स्थान हो वहाँ का। इसमें अगर आप चाहें तो अकेले खुद अप्लाई कर सकते हैं या चाहें तो ग्रुप में अपनी एक टीम बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। टीम में मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं। जिस भी टीम बना के आप लोग अप्लाई करेंगे उसमें मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं। अब बात करेंगे क्या कॉलेज के प्रिंसिपल इसको मैनेज करेंगे, नहीं, जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी और 15 मई तक इन्हीं की देखरेख में रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। नोडल ऑफिसर की देखरेख में रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। तो जो भी छात्र अपना काम करेगा स्वच्छ भारत मिशन के लिए वो अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किसे देगा? नोडल ऑफिसर को। वो जो भी काम वो करेगा तो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा करेगा। नोडल ऑफिसर इस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और बाद में अप्रूव करेंगे, ठीक है। बात करते हैं इससे प्रॉफिट क्या है, आखिर क्यों हम इंटर्नशिप करें। तो इससे प्रॉफिट ये है कि कॉलेज लेवल पे जो छात्र रहेंगे, अच्छा काम किए रहेंगे, उन्हें शील्ड और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, शील्ड और सर्टिफिकेट। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? टॉप 3 जो रहेंगे, टॉप 3 टीम कह रहे हैं तो या छात्र रहे। टीम मैंने बताया था आपको कि 10 लोगों का टीम हो सकता है या फिर एक सिंगल छात्र भी हो सकता है। तो इसमें जो टॉप 3 जो रहेंगे उनका जो पुरस्कार रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपये, फर्स्ट नंबर का, सेकंड का 20,000 और थर्ड का 10,000, ये उनका पुरस्कार रहेगा।
बात करते हैं स्टेट लेवल पे क्या रहेगा, तो दोस्तों स्टेट लेवल पे भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का, और पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें भी टॉप 3 जो रहेंगे उनमें नंबर 1 वाले को 50,000, फिर 30,000 और फिर 20,000। उसी तरह नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट और पुरस्कार दोनों दिए जाएंगे। नंबर 1 को 2 लाख रुपये, नंबर 2 को 1 लाख रुपये और नंबर 3 को किसे 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आई थिंक क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, क्योंकि अभी इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है, तो इसके हो सकता है कि इससे सर्टिफिकेट और जो इनके इनाम देने वाली राशि और इसके प्रोसीजर से तो नहीं, मंत्रालय इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है हमारा कि अशोक मित्रा का निधन हो गया। अशोक मित्रा का 1 मई को निधन हो गया। अशोक मित्रा थे कौन? तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे और बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री थे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डालमिया भारत लिमिटेड ने एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान के तहत। देखिए डालमिया भारत लिमिटेड एक कंपनी है, एक गवर्नमेंट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर एक स्कीम चलाई है, एडॉप्ट अ हेरिटेज। हेरिटेज मतलब आप जानते हैं धरोहर, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, तो किसी भी धरोहर को गोद लेना, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये इसका नारा है। तो डालमिया भारत लिमिटेड कंपनी है एक, इसने एडॉप्ट अ हेरिटेज के तहत आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा किले को गोद लिया है। आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा किले को गोद लिया है। और बात करें अगर कि डालमिया भारत लिमिटेड द्वारा गोद लिया गया पहला कौन सा किला है, तो लाल किला है। पहला किला क्या है, या कह लीजिए पहली इमारत कौन सी है, लाल किला। इसने 5 साल के लिए इसे गोद लिया है, और हाल ही में किसे लिया है, आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा के किले को। ठीक है, इसमें ये करेंगे क्या, उन इसका रख रखाव करेंगे, और उसकी जो बेसिक नीड्स होंगी वहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था करना, फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था करना, यही सब इनका काम रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि धरोहरों की पता है, सबको पता है कि प्राइवेट कंपनियाँ काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप सोचेंगे कि लास्ट ईयर तो विश्व अस्थमा दिवस इस दिन नहीं मनाया गया था, 1 मई को नहीं मनाया गया था। हाँ, क्योंकि ये कब मनाया जाता है, मई के पहले मंगलवार को। आप चाहे वो 1 तारीख को पड़े, या 5 तारीख को पड़े, या 3 तारीख को, मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं कि इसी तरह वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस जनवरी के लास्ट संडे को। अब वो चाहे जिस भी दिन पड़ जाए, जिस भी तारीख को पड़ जाएगा लास्ट संडे, उसी दिन। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस बार इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका सब्जेक्ट था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। क्या था, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की, यह अभियान किसने चलाया, तो यह अभियान चला था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसका उद्देश्य था अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाना, देखभाल करना और सुधार लाना। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 मई को, 1 मई को उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। प्रबंध निदेशक, और तो ये तो याद करना इजी है कि कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, उदय कोटक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के करनाल जिले में 30 अप्रैल को। कब की गई है, 30 अप्रैल को गोवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, हरियाणा के करनाल जिले में। दोस्तों इसमें होगा क्या, इसमें खेतों में मौजूद मवेशी गोबर और ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे खाद बायोगैस और जैव सीएनजी बनाया जाएगा। जिससे क्या बनाया जाएगा, खाद बायोगैस और जैव सीएनजी। नेक्स्ट बात करते हैं,
1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया, 1 मई को, सॉरी 1 मई को। अच्छा आप लोग इसको थोड़ा सिर्फ बातों पे मत जाया करिए, अगर फ्लो फ्लो में कुछ गलत निकल गया तो देखिए लिखा है मैंने 1 मई, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 138वीं है, तो शायद फ्लो में निकल गया था 136, बट मैंने कापी पे लिखा था कि 138 ही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ लिया करिए, और अगर कोई गलती है तो उसे खुद से ही चेक कर लिया करिए, आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया है 1 मई को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 3 मई को वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 की शुरुआत की गई है, कहां पर? गुवाहाटी में। वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 की शुरुआत कहाँ की गई है? गुवाहाटी में। दोस्तों ये है क्या वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट? इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को अवगत कराया जाएगा, इसमें गांव गांव को केंद्र सरकार की योजना और कार्यक्रमों से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला गया है? मोहम्मद सलाह को। फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद सलाह को। बात करते हैं विजय प्रहार अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो विजय प्रहार अभ्यास हो रहा है राजस्थान के सूरतगढ़ में। कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान के सूरतगढ़ में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसको शुरुआत किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में। इसकी शुरुआत किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में। और इस बार इसका सब्जेक्ट क्या था? तो इसका सब्जेक्ट था कीपिंग पावर इन चेक। क्या है? कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। क्या है? मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। दोस्तों जब से मैं करंट अफेयर बना रही हूँ उस टाइम से ही मैं देख रही हूँ कि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दिवस के बारे में आपसे कम पूछता है, उसको भी कूट बना देता है कि इस बार इसका सब्जेक्ट ये था, या पूछ लेगा कि इस बार 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का सब्जेक्ट क्या है, और इसमें 4 ऑप्शन दे देता है। तो हम सोच रहे थे कि फिर इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाया जाए, मंथली आपको एंड ऑफ द मंथ आपको प्रोवाइड किया जाए कि जितने भी दिवस उस पर्टिकुलर मंथ में पड़े हैं उनके सब्जेक्ट क्या हैं, और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी अच्छे काम हुए हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं हमें क्या ये बनाया जाए या आप लोग का यहाँ से कवर हो रहा है, क्योंकि जितने भी चीज़ें अगर चाहे एंड ऑफ द मंथ में उसको समराइज करके एक वीडियो में पढ़ाया जाए, वैसे यहाँ पे तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ा ही देते हैं, फिर भी अगर आपको समराइज करके एक जगह पे पढ़ना हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो उसे रेडी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन कि मणिपुर के तत्कालिक राज्यपाल कौन है? मणिपुर के तत्कालिक राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी मणिपुर के तात्कालिक राज्यपाल है। ये करंट में असम और मेघालय के भी राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? असम और मेघालय के। नजमा हेपतुल्ला की अनुपस्थिति में, मतलब मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला की अनुपस्थिति में ये तात्कालिक जगदीश मुखी को तात्कालिक राज्यपाल बनाया गया है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 में इसे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एके मित्तल। एके मित्तल को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। एके मित्तल ने पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उसके बाद बात करते हैं अशोक लाहिड़ी के बारे में। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं कौन? अशोक लाहिड़ी। ये अभी अंशकालिक सदस्य थे, लेकिन अब इन्हें पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है।
बात करते हैं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह करंट में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक में, एफडीआई का क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 11वीं है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे पे जर्मनी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।